नमस्ते दोस्तों मैं दविंदर सिंह चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्पार्क्स फाउंडेशन चैनल का और सी ए राजिंदर अरोरा जी का जिनके माध्यम से हम सारे जीएसटी के अपडेट्स आप तक पहुँचा पा रहे हैं अपने पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी असेसमेंट की और असेसमेंट के सेक्शन जो डिस्कस किए थे वो सेक्शन थे फिफ्टी नाइन और सिक्सटी अपने इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सेक्शन सिक्सटी और सेक्शन सिक्सटी की सेक्शन 62 बात करता है असेसमेंट की उन रजिस्टर्ड पर्सन की जो नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न है दूसरे शब्दों में मैं दोबारा कहूंगा अगर यही इसी बात को तो रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है उनकी असेसमेंट की अब कौन सी ऐसी रिटर्न है जो उन्होंने फाइल नहीं करी है तो सेक्शन 62 में लिखा हुआ है जिन सेक्शंस का जिक्र है उसमें वो है सेक्शन 39 और सेक्शन 45। सेक्शन 39 में रिटर्न्स आती हैं थ्री कैजुअल डीलर की नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की टी डी एस टी सी एस की रिटर्न आती है आई एस डी की रिटर्न आती है और सेक्शन फोर्टी फाइव में रिटर्न आती है फाइनल रिटर्न जिसको हम भरते हैं जी एस टी आर टेन के अंदर अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने सेक्शन थर्टी नाइन या सेक्शन फोर्टी फाइव की रिटर्न नहीं भरी है तो आपका प्रॉपर ऑफिसर आपको एक नोटिस जारी कर सकता है जो कि नोटिस जारी किया जाता है सेक्शन फोर्टी सिक्स के अंदर और जिस फॉर्म में नोटिस जारी किया जाता है वो फॉर्म है जी एस टी आर थ्री ए के अंदर आपको ये नोटिस जारी किया जाता है अगर पंद्रह दिनों के अंदर में अगर आप अपनी ये रिटर्न भर देते हैं जो कि रिटर्न आपने पहले नहीं भरी हुई है तो ये नोटिस ऑटोमेटिकली विद्रॉ हो जाएगा एंड योर प्रोसीडिंग विल ड्रॉप हेयर इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर भी जारी किया था सर्कुलर नंबर वन ओब्लिक 2019 जो कि इशू हुआ था 24 दिसंबर 2019 को जिस सर्कुलर के अंदर पूरा का पूरा प्रोसीजर प्रेस्क्राइब था सेकेंड बात यह कि अगर आपने पंद्रह दिनों के अंदर अपनी रिटर्न नहीं भरी तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पूरी पावर है कि वो ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद हिम और रिकॉर्ड्स मेड गैदर्ड बाय हिम ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही कैन पास अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ योर केस पहली कोशिश तो यही करनी है कि हमें बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से बचना है अपनी रिटर्न को हमें फाइल कर देना चाहिए बट स्टिल अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर भी पास हो गया तब भी अगर आपने तीस दिनों के अंदर अगर अपनी रिटर्न को फाइल कर दिया द सेम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर विल ऑल्सो बी विद्रॉन बट जो भी आपका इंटरेस्ट या कोई लेट फी बनती होगी वो स्टिल ड्यू रहेगा इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि इसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड आपको नहीं मिलेगी जो आपको नोटिस जारी हो रहा है फॉर्म थ्री ए के अंदर जिसके अंदर पंद्रह दिनों के अंदर आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है वही अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है बाद में आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी जाएगी यह अब हमने बात करी थी सेक्शन 62 की अब हम मूव करते हैं सेक्शन 63 पर सेक्शन 63 बात करता है नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स बाय टैक्सेबल पर्सन जिन्हें रजिस्ट्रेशन लेना था बट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया या वो लोग जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है बाय वे ऑफ सेक्शन ट्वेंटी नाइन कि जो कंपोजिशन डीलर थे उन्होंने अपनी रिटर्न नहीं भरी या रेगुलर डीलर थेगरी के अंदर फॉल करेंगे और उस केस में भी प्रॉपर ऑफिसर के पास पूरी की पूरी, पूरी पावर है वो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है बट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने से पहले वो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड देगा अगर वो आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई हो जाता है तो देन दैट इज ओके अदरवाइज ही विल पास दर एज पर हिज बेस्ट जजमेंट दोनों सेक्शन में जो डिफरेंस है अगर आप उस पर ध्यान से देखिए सेक्शन में अपॉर्चुनिटी ऑफ बी हर्ड नहीं थी या हम कहें जो आपको फॉर्म जीएसटी आर थ्री ए इशू हो रहा है वही अपने आप में अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड है सेक्शन सिक्सटी थ्री की बात करें तो कोई फॉर्म जीएसटी आर थ्री ए इशू नहीं होगा कोई आपको मौका नहीं मिलेगा सीधा सीधा नोटिस आएगा कि हम आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना चाहते हैं क्या आपको अपने केस के बारे में कुछ कहना है दैट इज इन अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड सेक्शन में अगर देखें अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं पहले पंद्रह दिनों के अंदर या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर होने के तीस दिन के भीतर भी तो सेम ऑर्डर विल बी डीम टू हैव बट सेक्शन 63 में ऐसा कुछ नहीं है तो इन सिचुएशन से हमें बचना है और सेक्शन 63 थ्री टू और 63 थ्री इनवोक्ट ना हो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है थैंक यू